हथियारों का हल्का हालत की है वो आपके सामने, फिर भी आप इन पर तंकीद करते हैं। तो भाई आप पाकिस्तान में, हम जब इलेक्शन जीतते हैं और 30-35 साल से इन शहरों में जीत रहे हैं, इन शहरों में जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जिनके बगैर तनख्वाहें नहीं निकलती हैं वजीर आजम और सदर की भी, जिनके बगैर बोल दूंगा बहुत सारी जिन्हें फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो उसके बावजूद आज पाकिस्तान के ऐवान पर हमारा एहसान है कि उसका एक टुकड़ा ऐसा है जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग बैठते हैं। हाँ, अगर आप इन जागीरदार जमातों को ख़त्म कर दें जनाब, क्या लेबर पार्टी के साथ, कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, रिपब्लिकन पार्टी के साथ या आवामी लीग के साथ इत्तेहाद करने हैं क्या हमें पाकिस्तान में? जो आपने जिन लोगों को बनाया और चढ़ाया है, हमने इस दफ़ा भी और कई दफ़ा, हम ना होते और साथ ना देते हुकूमतें नहीं, जमहूरियतें भी नहीं बचने वाली थी, जैसी भी थी और जितनी भी थी। हमारा उम्मीद ये है, हमारा यकीन ये है कि हमारा ये पैगाम कल पहुंचेगा तो जनवन जमहूरियत भी आ जाएगी। फिर किसी ने पीटीआई ने कराची की नुमाइंदगी करते हुए एक लाइन बटन दी है और एक और का मंसूबा किया, एमक्यूएम ने क्या डिलीवर किया जो कराची के शहरी में? जनाब एमक्यूएम के कहने भी किया ना, एमक्यूएम के मुआहदे का हिस्सा कौन पीटीआई जी जो है ना, जी है, लेकिन बस हम है और हम बड़ी मोहब्बत से वजीर आजम से कहते हैं, आप तो सबसे बड़ी कराची की स्टेक होल्डर हैं, आपकी सबसे बड़ी नुमाइंदगी है, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि कराची में सबसे बड़ा मैंडेट आपका है। तो ये वो तो सारे मुआहदे हैं जो सारे के सारे, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है इस पर जितने नुकात थे उसमें से अक्सरियत पे फैसले हो रहे हैं, गो के उसकी रफ्तार अजियतनाक हद तक स्लो है, लेकिन हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं और एमकेएम के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, शाबाश देते हैं कि जिनकी जद्दोजहद की वजह से जो जाली जाली मरदम शुमारी थी उसकी जगह एक और अर्ली मरदम शुमारी हो रही है। ये वाला जो आप ग्रीन लेन कहते हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे ना जनाब, जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हुए थे तो हमने उस वक्त भी मनवा लिया था, उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था, पैसे रखे थे, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी जो बन रही है ना वो भी हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म का कि उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। ये भी हमने शायद खाकान अब्बासी जब थे ना वज़ीर आज़म, हमने जब कराई थी। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई का भी और वज़ीर आज़म के भी कि हमसे जो मुआहदा किया था उस पर किसी ना किसी तक अमल दरामद हो रहा है। जी क्या मजबूरी थी कि आप उसकी यात्रा पे जाके पहुंचे? किसकी यात्रा पे? शबाश के घर गए और ये जी ऐसी क्या मजबूरी थी आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप वफाकी हुकूमत से उकता गए हैं या वफाकी हुकूमत आपसे उकता गई आके अपोजिशन से मिलना? वो हमसे उकता नहीं सकती, उकताने की बारी हमारी आ सकती है। ठीक है जी, ये नवाज शरीफ के हवाले से, अरे नवाज शरीफ के हवाले से वो बता दिए ना कि हम इनकी बारियां नहीं लगाते हैं, इनकी बारियां कहीं और से लगती हैं। तो ये क्योंकि वोट तो पड़ रहे हैं ना, सियासी कुव्वतें हैं, गलत या सही सियासी कुव्वतें हैं, चाहे मौरूसी तरीके पे, मौरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, उनको मौरूसी सियासत के बावजूद वोट मिलते हैं, तो हम तो एक ऐसी सियासी जमात है जो कि मुंतखब होती रही है, अवामी मैंडेट रखती हैं, उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट देने जाते हैं। जी हम तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं, हम जमहूरियत का साथ देंगे। ठीक है, वाडा साहब का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस लिहाज से पाकिस्तान अदालतों के फैसले हैं और अदालतों को अफराद को देखे बगैर इंसाफ करना चाहिए। तवील अरसे के बाद मिलते हैं, रहते हैं, आपकी मेहरबानी, आपके मीडिया ने ज़्यादा कर दी है तो नज़र आ गई है। सदर मुमलिका से भी मिले हैं, वहाँ सदर मुमलिका से भी मिले हैं, अवाम के साथ जाएंगे,
दो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहे हैं 27 फरवरी को और 23 मार्च। दोनों के साथ जाना है, एमक्यूएम की कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है? दोनों के साथ जाना है, एमक्यूएम की मजबूरी नहीं है। आप पीटीआई नहीं रहेंगे? हाँ, पीटीआई ये इसका फैसला भी पीटीआई ने करना है। अगर उसने वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें की जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को और आवाम के हकूक पर जद पड़ती है, तो हमें अपना फैसला करने में आज़ाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।